वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। ये जो मटका है, पॉट है मिट्टी का, ये मेरी मम्मा ने मुझे रिवैम्प करने के लिए दिया था। इसमें ऑलरेडी इतना प्यारा पेंटिंग किया हुआ है, हैंड पेंटेड है, तो इट टेक्स माई हार्ट अवे टू पेंट समथिंग ऑन इट। तो बहुत मन तो नहीं था मुझे इससे पेंट करने के बाद, शी डिडंट लाइक इट, ये पुराना सा भी हो गया था। तो लेट अस सी व्हाट वी डू विद इट। सबसे पहले ब्लैक जेसो लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर ताकि एक बेस बन जाए और ये जो कलर उधड़ गया है ये थोड़ा यूनिफॉर्म हो जाए। पर मैं हाफ मटके में ही इसे पेंट करूँगी बिकॉज आई एम प्लानिंग टू मेक समथिंग एलिगेंट और स्मार्ट, और साथ साथ थोड़ा सा रॉयल टच भी आए। तो फिलहाल देखते हैं कैसे होता है। मैं ले रही हूँ ये सिलिकॉन मोल्ड और इसके अंदर ग्लू गन की मदद से जो ग्लू है उसे स्प्रेड कर दूंगी। ये बहुत इजीली निकल जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर दूंगी। ये प्यारी सी मोल्डिंग्स निकल रही हैं। इस तरह मैंने तीन मोल्डिंग्स बनाई हैं और तीनों को मैं इस तरह से पेंट कर दूंगी। अब लेते हैं डेकोपाच पेपर और इसके पीछे का जो लेयर है उसे निकाल लेते हैं। थोड़ा डेलिकेट होता है, इसे सावधानी से निकालना है। नाउ व्हाट वी डू इज, हमें इसके एजेस यूनिफॉर्म नहीं चाहिए तो हम एक ब्रश में पानी लेकर इस तरह से चला लेंगे और हौले से इसे खींचना है तो इस तरह से अनइवन एजेस निकलेंगे। परफेक्ट। अब मॉड पॉच लेंगे और इसका एक लिबरल क्वांटिटी हम ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है उसमें लगाएंगे। अब इसे हमने स्टिक करना है, तो आप इसे चाहे तो टुकड़ों में भी काट कर स्टिक कर सकते हैं। चूंकि मैं काफ़ी दिनों से डेकोपाच का टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, आपने भी देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में, तो मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ। अगर आप न्यूबी हैं, नए हैं, तो आप इसके टुकड़े कर करके इसे चिपकाइए, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। पर अगर आपको थोड़ा हाथ आपका जम गया है तो जो भी इस तरह के कर्व वाले जगह होते हैं ना, उसमें इस तरह से आप फाड़ लीजिए उसे, इस तरह से टेयर अप कर लीजिए और फिर स्टिक करते जाइए। ड्राई ब्रश की मदद से इसे स्टिक करते जाइए, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ये बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है। यही खासियत है डेकोपाच की, एक फ्रेंच टेक्निक है और इससे आप कपड़े भी चिपका सकते हैं। मैंने आपको पुराने काफ़ी वीडियोज़ में बताया भी है, मैं ना आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी बल्कि। अब इसके ऊपर भी हमने मॉड पॉज लगा लेना है ताकि अच्छे से सील हो जाए। हल्के गीले कपड़े से आप इसे क्लीन भी कर सकते हैं। बस इसे अब सूखने देना है। तब तक ये जो मोल्ड थे इसे हमने फेवी बॉन्ड की मदद से ये एच पे इस तरह से चिपका लेना है। मैं ये पॉट को ना बहुत ज़्यादा एकदम कलर्स से नहीं भरना चाहती थी, ये मैंने मास्किंग टेप की मदद से इसे और अच्छे से चिपका दिया ताकि जो वो ग्लू है अच्छे से इसे स्टिक कर जाए। ये मेरे पास कुछ बीड्स रखे हुए थे, ये सेल्फ एडहेसिव बीड्स हैं, इन्हें मैं निकाल कर इंडिविजुअली काट काट कर, क्योंकि कनेक्टेड है, मैं इसे दूर दूर में चिपकाऊंगी। ये एक्चुअली डिटेलिंग का काम करेगा, एक हल्का सा टेक्सचर देगा इस पॉट को। जैसे कि इसका जो शेप है ऑलरेडी काफ़ी ट्रेडिशनल है, इसे मैं थोड़ा मॉडर्न टच देना चाह रही हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। और ब्लैक एक्रेलिक कलर लेना है हमें और सबको, ये जो बीड्स हैं और ये जो नीचे वाला एरिया है इसे अच्छे से पेंट कर देना है। आप देखेंगे ये पॉट जो है दो हिस्सों में बढ़ जाएगा पर फिर भी कोहेसिव लगेगा। तो मोल्डिंग की वजह से इसमें काफ़ी रिच टेक्सचर आएगा। जब सब पूरा ड्राई हो जाए तो वार्निश करना बिल्कुल ना भूलें। ये वार्निश स्प्रे है जो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ऑयल पेंट पे भी काम करता है और एक्रेलिक पेंट पे भी। ये करना ज़रूरी है ताकि लॉन्जिविटी रहे।
अब आप चाहें तो इसमें प्लांट लगाइए या आर्टिफिशियल फ्लावर लगाइए, जैसे चाहें इसे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल बटन को दबा कर जाइए ताकि मैं आऊँ तो आपको पता चले। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।